हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दलिया खिचड़ी। दलिया खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप ब्रोकन व्हीट यानी कि दलिया, और सेम ही अमाउंट में मैंने यहाँ पे ली है मूंग दाल। आप चाहें तो दलिया और मूंग दालों को दोनों को रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके बच्चों को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए भिगो देंगे और अच्छे से धो के पानी को निकाल लेंगे। वेजिटेबल में मैंने ली है कैरेट, पीस, बीन्स, पोटैटो और एक छोटी हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बच्चों को थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है। फ्रेंड्स, आप मूंग दाल की जगह पे तूर दाल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मूंग दाल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तूर दाल थोड़ी हैवी होती है जो कि डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेगी। अब हम इन सबको अच्छे से प्रेशर कुकर में डाल लेंगे, यानी कि दाल, वेजिटेबल और दलिए को। इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। अगर आपके बच्चों को थोड़ा सा पतला खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आपके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो खिचड़ी में हम और भी ज़्यादा सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अब हम एज़ पर टेस्ट थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। अब हम 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब हम लेंगे एक फ्राइंग पैन। पैन में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यह खाने के टेस्ट को डबल कर देता है। अगर आपके बच्चे घी नहीं खाते हैं तो आप तड़के में घी का यूज़ करें, जिससे कि उनको टेस्टी लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और इसे अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें अब थोड़ी सी काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ी सी अदरक और इसे अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। ये अच्छे से बिल्कुल भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कुक की हुई खिचड़ी। ये एकदम बनके तैयार है। फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी पतली या फिर थिक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।